हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल पोकेमोन गेमर हिंदी। तो लास्ट टाइम हम लोग साइनो सिटी में फाइटिंग डोजो का एक एपिसोड कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने दो दिन ट्रेनर लोग को हराया था और हमारे पोकेमोन का लेवल अप किया था। और आज हम जाने वाले अपने नए टाउन की ओर, जिसका रास्ता इस केव से होके जाए। केव को क्रॉस करने के बाद हम अपने नए टाउन में पहुँच जाएंगे और इस केव का नाम है क्लिफ एज केव। हमारा दूसरा टाउन क्या है वो भी एक मिनट हम चेक कर लेते। मैप हम फ्लाई डेक करेंगे तो हमारे पास मैप रहेगा। ये रहा एवरग्रीन टाउन। एवरग्रीन टाउन है हमारा नेक्स्ट सिटी। नेक्स्ट सिटी है हमारा एवरग्रीन टाउन, और उधर जाने के लिए हमें इस केव को क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट केव से बाहर निकलते और एवरग्रीन टाउन में एक नया बैच जीतते। क्लिफ एज केव, उसका नाम मैंने एज केव रख देता हूँ। मैं इसको शॉर्ट में एज केव बुलाता हूँ। एज केव अच्छा नाम है थोड़ा। ओ यार, मैंने रिफिल यूज़ नहीं किया यार, भूल गया। कौन आ रहा है? ऊपर है ना ये? ऊपर, हाँ ऊपर ही है। वॉटर टाइप पोकेमोन है फिलहाल। भैया मेरे पास स्वाम्पड है जो मेरा ग्राउंड और वाटर टाइप पोकेमोन है, इसके लिए मेरे को कोई और वाटर और ग्राउंड टाइप पोकेमोन की ज़रूरत नहीं है। रिफिल यूज़ करता हूँ फटाफट। रिफिल यूज़ कर लिया, अब अच्छी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने रिफिल यूज़ कर लिया। यहाँ पे कुछ आगे है क्या? नहीं है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पे रॉक क्लिम की ज़रूरत पड़ेगी। रॉक क्लिम मैंने किसी को सिखाया था क्या? नहीं सिखाया ना। रॉक क्लिम TM नंबर 8 है ना? आई थिंक सो TM नंबर 8 है, और वो ऊपर है। ऊपर ये रहा रॉक क्लिम, इसको सिखा देता हूँ। किसको सिखाओ यार, कौन कौन एबल है? स्वाम्पड को सिखाओ क्या? देखते पहले स्वाम्पड की मूव देख लेते। मड शॉट आई थिंक तो ग्राउंड टाइप मूव है, और अर्थक्वेक उससे अच्छा है, बेटर। इसके लिए हम मड शॉट को डिलीट करके रॉक क्लिम सिखा देते। फाइनली हमने रॉक क्लिम सीख लिया। अब हमारा स्वाम्पड एबल है रॉक क्लिम यूज़ करने के। अब हम ऊपर चढ़ सकते हैं। अब हम ऊपर भी आ चुके और हमें यहाँ पे एक रेयर कैंडी मिल चुका है यार। भाई मेरे को रेयर कैंडी वो सब नहीं चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर ए नाइस TM। मेरे को कोई अच्छा TM चाहिए जिसके अंदर एक बहुत ही मस्त पावरफुल मूव हो और मैं वो अपने पोकेमोन को सिखाऊँ। अच्छा मूव मिलेगा तो अच्छा लगता है यार। वो रेयर कैंडी, सुपर पोशन वो सब मिलता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। ये सीढ़ी तो बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी, अच्छी खासी बहुत बड़ी सीढ़ी थी। यहाँ पे भी देखते रॉकी है, यहाँ पे भी रॉक क्लिम यूज़ करना है। यहाँ पे भी एक पोकेबॉल है ना, देखते इसमें क्या है। हार्ड स्टोन यार, आई एम वेटिंग फॉर ए TM मैन। मेरे को एक TM चाहिए, अच्छा खासा TM चाहिए। हमारा एवरग्रीन टाउन में कौन सा टाइप जिम होगा यार, आपको क्या लगता है? और ये केव तो हम क्रॉस कर लेंगे फटाफट। एवरग्रीन टाउन में मैं जाने के लिए बहुत दिनों से फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था, क्योंकि एवरग्रीन टाउन मतलब एवरग्रीन मतलब हरियाली होगी उस टाउन में। इसके लिए मेरे को बहुत, और मेरे को नेचर बहुत पसंद है। ओ यार, एक बैटलर आ चुका है यहाँ पे। आर यू टफ इनफ टू टेक ऑन रूट 47? यस मैन। रूट 47 पे आने के लिए मैं टफ भी हूँ और मैं एक टूर्नामेंट रीजन का चैंपियन भी हूँ। इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर आने के लिए। इसके पास गोलम है, गोलम ब्रॉक का एक फेवरेट पोकेमोन है। गोलम ब्रॉक को हमेशा से एक गोलम चाहिए था। ऑनिक्स भी है इसके पास, वो अच्छी खासी रॉक टाइप पोकेमोन यार इसके पास। नेक्स्ट कौन है भाई? हु इज़ द नेक्स्ट? स्टीलिक्स, वो बहुत ही मस्त पावरफुल पोकेमोन स्टीलिक्स। इसके लिए हमें ट्रेड स्टोन चाहिए। हम अपने ऑनिक्स को ट्रेड स्टोन से स्टीलिक्स बना सकते हैं, और उसने डबल एज मार दिया है। रुक तेरे को बता दो भाई, वेट कर दो मिनट। चलो 40,000 का भी लेवल अप हुआ अच्छा खासा। सम पीपल आर जस्ट टू विम्पी फॉर दिस रूट, नो ऑफेंस। बाय बाय भाई, तू हार गया, हम चलते हैं अभी इधर आगे। ये अंकल जी इधर क्या कर रहे हो? क्लिफ एज केव में डाउन द लेडर लीड्स टू द बीच, ये नीचे वाला क्या? हाँ ठीक है। और अप द लेडर लीड्स फर्दर अप द क्लिप्स वेर यू आर गोइंग टू गो। भाई अगर वो नीचे वाला बीच पे लेके जाता है और नेचर से रिलेटेड, तो मैं उधर जाना पसंद करूँगा, क्योंकि नीचे पहले हम चल के देख लेते ना क्या है। कुछ तो अच्छा चीज़ मिल गया तो कुछ अच्छा नया, TM मिल गया तो कोई मस्त चीज़, कोई लेजेंडरी पोकेमोन मिल गया तो कुछ भी हो सकता है यार, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे रॉक क्लिम देखने को मिल रहा है, रॉकी है तो मैं इधर रॉक क्लिम यूज़ कर लेता हूँ ना। ओ भाई साइंटिस्ट, सी द केव, सी डैट केव, इट्स द एम्बेडेड टावर। एम्बेडेड टावर इस केव का नाम। जैसे इट हैज़ ए कनेक्शन विद ग्रोडॉन, क्योगरी एंड रेक्यूजा। भाई रेक्यूजा है तो इधर मैं रेक्यूजा को पकड़ने आऊँगा। हट भाई, अंदर जाने दे, क्या कर रहा है? हट गया। चलो रेक्यूजा किधर है भाई? ये सामने वाले केव में क्या? रेक्यूजा मेरा फेवरेट पोकेमोन यार। वो इधर तो कोई नहीं, मेरे ख्याल से इधर ग्राउडॉन रहता रहेगा, क्योंकि इधर ज्वालामुखी का सब, ज्वालामुखी का वो सब है ना, आग है ना, और जिधर आग रहता है उधर ग्रोडॉन मिलता है, और जिधर पानी रहता है उधर क्योगरी, और जिधर वो दोनों रहते हैं उधर हमको रेक्यूजा तो अपने आप मिल ही जाएगा भाई।
क्योंकि जब दोनों में एकदम खतरनाक झगड़ा होता है तो भाई अपना रिक्यूजा आता है हीरो बन के और उन दोनों को उनकी उनकी डायमेंशन में फेंक देता है। इन शॉर्ट वो अर्थ को सेव करता है ग्रोडोन और क्योगरी से। हमारा रिफिल भी ख़त्म हो चुका है, इसके लिए एक और यूज़ करना पड़ेगा। ये रहा रिफिल और हमने यूज़ भी कर लिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे शायद क्या क्योगरी है क्या यहाँ पे? वो ये स्पेस यहाँ पे रिक्यूजा ही रहेगा आई थिंक सो। अभी कोई लेजेंडरी पोकेमोन है नहीं, लेजेंडरी पोकेमोन अभी छुट्टी पे गए छुट्टी मनाने। हम अगर हम लीग जीत के आएंगे तो ही हमें शायद लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ने को हम एबल होंगे। चलो हम चलते हैं यहाँ पे यार, लगता है टाइम वेस्ट करने के लिए भी। अभी यहाँ पे कोई लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, इसके लिए हम चलते हैं अपने एवरग्रीन टाउन की ओर। ये वाला क्यों मेरे को लगता है अभी क्योगरी रहेगा, मगर अभी तो नहीं होएगा क्योंकि अभी दोनों नहीं है तो क्योगरी अकेला कैसे होएगा। भाई सुन ले, वहाँ पे कोई पोकेमोन नहीं है, अभी तो कोई पोकेमोन नहीं है, बाद में आ सकते हैं तो आएंगे, कनेक्शन है तो मतलब आएंगे, मगर अभी कुछ नहीं है। भाई हटना भाई, रास्ता दे, रास्ते में आ जाता भाई ये बार बार अपने। स्वैम्पर्ड अपना अच्छा है बहुत, स्वैम्पर्ड मेरा अच्छा मस्त फेवरेट पोकेमोन है। एक्चुअली तो मेरे सारे पोकेमोन फेवरेट है, आई लव ऑल द पोकेमोन्स एक्सेप्ट 2 और 3 और 10 और 15। कुछ पोकेमोन को छोड़ के मुझे सब अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे को पोकेमोन की रियल वर्ल्ड में रहना है। गेम की दुनिया अच्छी है मगर उतनी अच्छी नहीं है जितनी रियल वर्ल्ड है। आप लोगों को क्या पोकेमोन गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है या पोकेमोन रियल वर्ल्ड में चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना। आई वॉन्ट पोकेमोन इन रियल वर्ल्ड, मेरे को एक पोकेमोन ट्रेनर बनना है असली दुनिया में। यार गेम में तो मैं बहुत बार बन चुका हूँ। यहाँ पे ओ यार, यहाँ पे तीन लाइन में ग्रासेस है तो मेरे पास तो मैंने रिफिल यूज़ किया, इसके लिए कोई वाइल्ड पोकेमोन नहीं आएगा। चलते हैं यहाँ पे, इधर भी कुछ रास्ता नहीं है, इधर तीन बड़े बड़े पत्थर है उनको क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, उसके लिए हमें चीट यूज़ करना पड़ेगा, वॉक थ्रू चीट, और हमारे पास नहीं है। क्लिफ एज केव में सी के पास आगे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ भाई, अब हम ऊपर चलते हैं। ये ऊपर चलते हैं ना, एक मिनट वंस मोर, वहाँ पे एक रास्ता था स्टार्टिंग में, मैंने देखा था यहाँ पे एक रास्ता था, ये रहा रास्ता। यहाँ पे हम गए नहीं थे ना, कुछ इंटरेस्टिंग। ओ यहाँ पे एक पोकेबॉल है क्या? सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर क्या होता है भाई? कोई कमेंट में मुझे बता देना यार, सिल्वर पाउडर क्या होता है मेरे को मालूम नहीं अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई प्लीज़ यार बता देना सिल्वर पाउडर क्या है, मेरे को नहीं मालूम सच में। नेक्स्ट देखते क्या है, ऊपर आ चुके हम भाई। ट्रेनर तू भी बैटल करेगा क्या? अरे भाई किधर भाग रहे हैं, बैटल करेगा ना तो काहे को भाग रहे हैं। वी आर सो हाई अप, देखते भाई इसके पास कौन सा पोकेमोन है। यान मेगा, तो इसके लिए मैं मड़ी वाटर मार के देखता हूँ। यान मेगा जस्ट बच गया यार, जस्ट 1-2 HP से बच गया। परसूट मारता डाक टाइप अटैक, ले मेरा मड़ी वाटर, वाटर प्लस मड, कीचड़ के साथ वाटर मिक्स होकर आएगा तो कैसा लगेगा। चलो इसके पास यान मेगा था, मस्त यान मेगा अच्छा था, मगर उसको हमने हरा दिया। आई वंडर व्हाट्स अप ओवर दोस वाटरफॉल्स। भाई उधर कुछ नहीं है, तीन ग्रास है और तीन बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पे तू कुछ अच्छे पोकेमोन मिले तो मिले वरना वहाँ पे कुछ नहीं है। मैं जाके आया उधर। नेक्स्ट देखते, एक है टेलीपोर्टेशन मशीन है, वो मुझे कहीं पर टेलीपोर्ट नहीं होना। एक और ट्रेनर आ गया यहाँ पे, आर यू गोइंग टू द सफारी जोन? यार यहाँ पे सफारी जोन भी है क्या? टूनाट रीजन में तो मैंने सफारी जोन देखा था, तो वहाँ पे मैं गया भी था और वहाँ पे मेरे को एक बाईसाइकिल भी मिला था। यहाँ पे जोटो में सफारी जोन, यार यहाँ पे एवरग्रीन के रास्ते में क्या? मेरे को मालूम ही नहीं था यार, ये बात तो मेरे को नहीं मालूम था, अच्छा उसने बता दिया मेरे को, यही तो फ़ायदा होता है टॉक करने का, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई? माचैम्प आ रहा है, आ जा भैया माचैम्प, तेरे को भी बताता हूँ मैं। अर्थक्वेक से तू भी जाएगा, नहीं जाएगा तो तेरे लिए मेरे पास मड़ी वाटर भी है। गया, चलो अच्छी बात है, चले गया, हार गया, इसको भी हमने हरा दिया है। द जोडो सफारी जोन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स प्रोबेबली अनलाइक एनी अदर रीजन सफारी जोन। भाई जोडो का सफारी जोन बहुत अच्छा है, तो उधर चल के देखेंगे, कुछ अच्छे पोकेमोन मिल जाएंगे तो अच्छे है। ओ यार किधर किधर छिप के रहते थे, लेट्स बैटल विद माई न्यू पोकेमोन। ओ यस, तुम्हारे पास नया पोकेमोन है तो बैटल करने में भी मजा आएगा। चलो भाई इनके नए पोकेमोन से बैटल कर लेते हैं। अब कौन से पोकेमोन है? ब्रीलू में। ओ यार स्वैम्पर्ड तो थोड़ा खतरा है, अगर इसका ग्रास टाइप एक भी अटैक लग गया तो स्वैम्पर्ड का वो स्काई अपरकट फाइनल है मूव में। चलो उतना कुछ डैमेज नहीं दिया, मगर भैया अगर इसका एक भी मूव लग गया होता ना तो भाई स्वैम्पर्ड का, स्वैम्पर्ड को हमें चेंज करना पड़ेगा। स्वैम्पर्ड एक ग्राउंड टाइप और वाटर टाइप पोकेमोन, और ग्रास टाइप दोनों पे इफेक्टिव रहता है, और हमारा चारिज़ार्ड जो है वो फायर ग्रास टाइप पे डबल इफेक्टिव रहता है। चलो चारिज़ार्ड भी अपना, ओ गैलाड, चारिज़ार्ड के पास इतनी पावर है कि वो गैलाड को हरा सकते हैं।
गैलेड भी मस्त यार, उसका लेवल अप हो चुका है 59, अपने 4000 का 52 ही है, कोई बात नहीं, मगर 4000 है बहुत पावरफुल है, सबको मालूम है 4000 की पावर क्या है। और ये देखो 4000 की पावर दिख चुकी है, 4000 ने गैलेड को हरा दिया है। यार हमारे टीम में 4000 बहुत वीक है यार, उसका लेवल बहुत कम है। पोकेमॉन स्विच कर लेता हूँ मैं, पोकेमॉन स्विच करके 4000 को टॉप पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हम स्विच भी नहीं कर सकते, वाह व्हाट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे पोकेमॉन स्विच करना भी अलाउड नहीं है। देर आर डिफरेंट पोकेमॉन इन ईच जोन ऑफ द सफारी जोन, यू नीड टू गो टू ऑल ऑफ देम। आई हैड यू कैन अट्रैक्ट रियली रेयर पोकेमॉन इन द सफारी जोन बाई यूजिंग बेल। बेल मुझे फ्री में मिलेगा कि खरीदना पड़ेगा यार। जोटो हैज़ सफारी जोन टू, इट्स द बेस्ट वन एवर आई थिंक। अच्छा है वो, चल के देखते वेयर वाइल्ड पोकेमॉन अबेंड, यही है पोकेमॉन जोटो सफारी जोन यही है ना, चल के देखना पड़ेगा फिर इधर। देयर्स अ लॉट ऑफ जोन्स इन योर सफारी जोन, फ्रॉम माई लास्ट काउंट देयर्स 12, हाउ डू दे फिट देम ऑल बैक देयर। वेलकम टू द सफारी जोन, डू यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ द जोटो सफारी जोन वर्क्स। नहीं मैंने बहुत सारे, वुड यू लाइक टू एंटर द सफारी जोन, 200 रुपये में यार, हर जगह तो 500 लेते हैं ये लोग, 200, और यहाँ पे सफारी बॉल नहीं पार्क बॉल दिए जा रहे, कौन सी जगह पे चले यार, यहाँ पे बहुत सारी जगह, डेजर्ट में चलते हैं, चलो डेजर्ट में बहुत गर्मी रहती है। यार मेरा रिफिल का इफेक्ट ख़त्म हुआ है क्या, अगर नहीं तो इधर हम फंस गए फिर। रिफिल का इफेक्ट ख़त्म, हाँ चलो फाइनली रिफिल का इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, अब वाइल्ड पोकेमॉन आ चुके हैं। अब कौन आ रहा भाई, सैंसलैस, एक सैंसलैस आ रहा है, मगर इसका लेवल बहुत कम है, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ेगी, नहीं चाहिए हमें भाई सैंसलैस, बाय बाय। यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मशीन है, यू कैन, ओ ये बेल यहाँ पे रख सकते, चलो देखते यू, ओ यार मेरे पास कोई बेल भी नहीं है, बेल मिलेगा किधर से यार, कोई बेच भी नहीं रहा है कि मैं खरीद लूँ 100-200 का। और कोई एनीथिंग, कौन सा पोकेमॉन अभी आ रहा है, एक डॉन फैन, ये अच्छा है, मगर इसका भी लेवल इतना अच्छा नहीं है यार। डॉन फैन अगर आपको पकड़ना रहेगा तो आप ज़रूर आना, डॉन फैन के लेवल रहोगे तो, उसका लेवल अच्छा नहीं तो ना मैं पकड़ लेता। नेक्स्ट कौन है भाई, सैंसरू, भैया सैंसरू तेरे से पहले तो तेरा एवोल्यूशन सैंसलेस आया था, उसको पकड़ना चाहिए ना मेरे को भाई। यहाँ पे व्हाट आई कैन डू फॉर यू, हाँ अनदर जोन में चलते, चलेगा 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा पिक पे चलते अभी, हैव फन बोल रहे हैं पिक पे, हाँ ये अच्छी जगह लग रही है थोड़ी। यहाँ पे एक ट्रैवलर है, दिस इज माई सॉर्ट ऑफ प्लेस, रगेड पोकेमॉन फॉर अ रग्स पर्सन। देखते यार यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ये बहुत छोटा एरिया, यहाँ पे ज़्यादा पोकेमॉन भी लिव नहीं करते होंगे। एक ग्रैवलर नहीं चाहिए भैया, ग्रैवलर तू, ग्रैवलर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को गोलम बहुत पसंद है, गोलम आई लाइक गोलम। एक कौन है, मैग्नीमाइट है यार, यहाँ पे सब हाई लेवल के पोकेमॉन नहीं आ रहे, सब लो लेवल के 16-17 और 29-30 लेवल के पोकेमॉन आ रहे, तो उनको ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम सफारी जोन से बाहर चलते। लीव तो पाखा भाई, हमें सफारी जोन लीव करना है, यस ले ले भाई, मैंने एक भी बॉल को यूज़ नहीं किया। अब फ्रेंड्स मैं अभी सफारी जोन में पूरे जितने पार्क्स है, ये इस गर्ल ने बोला था कि वहाँ पे 12 पार्क्स है, तो हमने उधर पूरा तो वॉक थ्रू नहीं किया है, मगर आपको पोकेमॉन पकड़ने रहेंगे तो आप सफारी जोन में जाना, उधर बहुत मज़ा आएगा आपको। चलो हम चलते हैं अपने एवरग्रीन टाउन की ओर, अभी एवरग्रीन का टाउन का रास्ता इधर ही है। यहाँ पे एक गर्ल है, वो बैटल भी करेगी। आई एम नॉट ओनली क्यूट बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू लुक, देखते हैं आप कितनी स्ट्रांग हो बहना, आपके पोकेमॉन स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, और हमारा स्वैम्पर्ट तो बहुत स्ट्रांग है स्वैम्पर्ट, और उसने विग्लीटफ को हरा दिया है। यस चेंज करना चाहूँगा मैं अपने चार्जार्ड को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि चार्जार्ड को मेरे को ट्रेन करना है और उसका लेवल अप भी अप करना है। क्लिफेबल आ चुकी है, ओह सॉरी वो क्लिफेबल थी क्या, ओ मैंने उसका नाम गलत लिख लिया था, मतलब पिछली बार भाई चार्जार्ड लव नहीं यार, इधर लव नहीं, क्लिफेबल के साथ लव कर रहा है यार, तेरी आइटम तो चारला है ना एनिमी में, चारला किधर, तेरे को छोड़ दी क्या यार, ये यार चार्जार्ड सो चुका है, हमें पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। गाड़ी और को बुलाते, गाड़ी और एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है और बहुत क्यूटी व्यूटी पाए, ये भी लड़की वो भी लड़की, तो अब प्यार का कुछ होने वाला नहीं है मैटर, प्यार के मैटर में फंसना भी नहीं चाहिए। पर्शियन आ रहा है, वाह एक बिल्ली आ रही है, वाह बिल्ली आजा आजा तेरे को दूध पिला देगी मेरी पर्शियन। चलो बिल्ली हार चुकी है, गाड़ी और जीत चुकी है, वाह कितना मज़ा आया यार। एवरग्रीन टाउन में हम फाइनली एंटर हो चुके हैं, एवरग्रीन टाउन वेयर द ग्रास इज ग्रीनर। हाँ भाई नेचर, ग्रीन चीज़ मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक द नेचर।
एवरी टाइम आई लाइक द नेचर। पोकेमोन सेंटर यहाँ पे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा यार, एवरग्रीन टाउन वॉज रजिस्टर। अब मैं भाई मेरे को रजिस्टर ही करना था, किधर जाना नहीं था। चलो पोकेमोन अभी हील कर लेते हैं अपने पोकेमोन को, देख सकते हो आप पोकेमोन को भी देख सकते हो यार। स्वैम्पर्ड और चारिज़ार्ड तो सो ही रहा है, उनका स्वैम्पर्ड को तो पूरा एचपी लगभग जा चुका है, बस रेड हो चुका है। चारिज़ार्ड का भी आधा गया है, उसके लिए हील कर लेते हैं। नर्स जो है फ्री में हील करेंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आज की, आप मुझे कमेंट में बता देना आपको मज़ा आया कि नहीं। अगर आप सफारी जोन में गए, मैंने तो सफारी जोन का आपको पूरा पोकेमोन के जिधर उधर जिसमें उसके पास 6 जोन थे सफारी जोन में, मैंने सिर्फ 2 में ही गए, और जितना कुछ हाई लेवल के पोकेमोन नहीं आ रहे थे आप भी देख सकते हैं, हाई लेवल के कोई पोकेमोन नहीं आ रहे थे, इसके लिए मैंने किसी को पकड़ा नहीं। मगर आप जाके ज़रूर ट्राई करना कि वहाँ पे कौन से पोकेमोन आ रहे थे, ज़रूर यार सफारी जोन में जाके ट्राई करना, मज़ा आएगा आपको। और फिलहाल तो मैं वीडियो को इधर ही स्टॉप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना यार, और अगर आपको पोकेमोन ग्लेस की गेम प्ले देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर इंटरेस्ट है तो ही, वरना मत करना यार। भाई मेरे को सब्सक्राइबर एक्टिव सब्सक्राइबर चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ मत करना यार। आप और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वाले को मत करना अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि विदाउट इंटरेस्ट सब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं है। चलो यार चलता हूँ, इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आपके लिए फटाफट नए वीडियो में फटाफट बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। बाय बाय, सी या, हैव अ नाइस।